हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुए एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड क्लोज डोर। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये पार्ट वन क्रिमिनल जस्टिस का कंटिन्यूशन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे या कुछ कैरेक्टर्स थे आप लोग कह सकते हो, वो लोग कैरी फॉरवर्ड हुए हैं इस सीजन में, लेकिन कहानी बिल्कुल भी अलग है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। बात करेंगे सीजन टू की, तो इसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसके हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 39 मिनट से लेके 53 मिनट्स के बीच में ही है। खैर, ये सीरीज़ की कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां पर हमें नज़र आते एक वेरी वेल रिस्पेक्टेड लॉयर जिसका नाम है बिक्रम चंद्रा, जिनकी एक वाइफ और बेटी है। ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब अनुप्रदा चंद्रा पर अपने ही हस्बैंड बिक्रम चंद्रा के मर्डर का इल्ज़ाम होता है। तो क्या वाकई में अनुप्रदा ने इस मर्डर को किया या इसके पीछे कुछ और वजह है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर सीरीज। खैर, बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि मैं बोलूँगा बहुत ही लाजवाब है। हालांकि ये पर्टिकुलर सीरीज है, लेकिन इसमें जो जो चीज़ें बताई है वो रियलिटी है, वो असल में रियलिटी में हो रहा है, लेकिन इस पर कोई भी एक परफेक्ट लॉ है नहीं, इसीलिए ये आजकल एक अलग ही लेवल पर चला गया। लेकिन जब जब इस तरीके के इंपॉर्टेंट मुद्दे जब हम लोग मूवीज़ या वेब सीरीज़ में देखते, तो इनफैक्ट लोगों की आंखें खुलती है और एटलीस्ट लोगों को पता चलता है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है। कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ पुराने कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से शो में डेवलप किया, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताइए जिसकी वजह से आप उनसे ईजिली कनेक्शन बना सकते हो। और सिर्फ ये बात मेन कैरेक्टर के लिए ही सूटेबल नहीं होती, इनफैक्ट यहाँ पर जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है उनको भी एटलीस्ट इतनी अच्छी तरह से बताया कि आप लोग एक अलग तरह का कनेक्शन उनसे बना लेते हो, जिस वजह से आप लोग हर एक चीज़ को फील कर पाते हो। खैर, उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी अगेन बहुत ही गजब की है, बहुत ही अच्छी तरह से हर एक सीन को शूट किया है, और स्पेशली जितने भी कोर्ट रूम ड्रामा है वो यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। उसके अलावा शो की BGM की बात करो तो यार टेरेफिक है, यानी कि कहीं से भी आपको इसके BGM को लेकर कोई भी शिकायत होगी नहीं। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यार पंकज त्रिपाठी सर हमेशा अपने रोल को एक अलग ही लेवल पर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार जिस तरह से उनकी कॉमिक ट्यूनिक थी और जो केमिस्ट्री थी उनकी वाइफ के साथ, यानी कि रियल वाइफ नहीं रील वाली वाइफ रत्ना फ्रॉम पटना, तो उनके बीच की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके अलावा अनुप्रिया गोयका का भी एक इक्वल इंपॉर्टेंट रोल है जिसको उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से खींचा है। और अगर कीर्ति खुलारी की बात करेंगे तो उन्होंने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो आज तक उन्होंने अपनी करियर में नहीं दिया था। इस परफॉर्मेंस के बाद उनको आगे चल के बहुत सारी मूवीज़ मिलने वाली, इतना तो मैं यहाँ पर गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर हमें आशीष विद्यार्थी सर भी नज़र आते हैं, यहाँ पर जो उनका रोल था बहुत ही सूटेबल लग रहे थे वो इस रोल में, उन्होंने भी बहुत ही अच्छी तरह से काम किया। लेकिन अगर जेशु सेन गुप्ता की बात करें तो उनका यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट रोल है, यानी कि सिर्फ कहने को रोल है, इसलिए हम उनके परफॉर्मेंस पे इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। खैर, अब बात करेंगे शो के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो यार मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं लगा। रात भर जाग के मैंने शो को देखा, लेकिन एक सेकेंड के लिए भी ना मुझे नींद आई ना मुझे बोर फील हुआ। मतलब मैं स्टार्ट से लेकर एंड तक इस पूरे शो में कंटिन्यूस एंगेज था। हालांकि कुछ जगह पे मैं चीज़ें प्रेडिक्ट करने लगा था, लेकिन ओवरऑल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक मस्ट वॉच शो है जो आप सभी लोगों को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यार फर्स्ट एपिसोड में आपको कुछ एडल्ट सीन देखने को मिल जाएगा, और 6th या 7th एपिसोड में एक किसिंग सीन है। उसके अलावा कुछ भी एडल्ट सीन है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि ये बच्चे और बुजुर्ग के सामने इस सीरीज को मत देखना। शो को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो दोनों अपने लेवल के शो है और दोनों ही बेस्ट है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो इस शो को देखो, या आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगा। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तेरे दुआ में याद रखना। बाय।